सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर। सदिश राशि क्या है और अदिश राशि क्या है? सदिश राशि किसे कहते हैं? ऐसे राशियां जिन्हें निरूपित या व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उन राशियों को सदिश राशियां कहते हैं। जैसे बल, संवेग, बल आघूर्ण, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सब जो है सदिश राशियां हैं। अदिश राशियां किसे कहते हैं? अदिश राशियां उन राशियों को कहते हैं जिनको व्यक्त या निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। किसी भी अदिश राशि को एक संख्या, एक मात्रक के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ऊर्जा, शक्ति, कोण, ताप, विद्युत, धारा लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य और विद्युत विभव, ये सब जो है आपका अदिश राशि है। सदिश और अदिश में अंतर देखिए, सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। सदिश राशियों को गणित के नियम से नहीं हल किया जा सकता है, अदिश राशियों को गणित के नियम से हल किया जा सकता है। सदिश राशियों को दिखाने के लिए ऊपर तीर लगाते हैं, अदिश राशियों को दिखाने के लिए साधारण अक्षरों से दिखाया जाता है। सदिश राशियों में दिशा होती है, अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है। बेल, संवेग, वेग, संवेग, बल, आवेग, बल आघूर्ण, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, विस्थापन, वेग, त्वरण इत्यादि, ये सब सदिश राशियां हैं। ऊर्जा, शक्ति, कोण, ताप, विद्युत ऊर्जा, धारा लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य और विद्युत विभव जो है आपका अदिश राशियां हैं।